हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज एक गुड न्यूज़ भी है, तो मैं आप लोगों को वो गुड न्यूज़ बाद में सुनाऊंगी। तो सुबह सुबह का काम चल रहा है, सारे कमरों में मैंने झाड़ू पोंछा कर दिया है। सिर्फ इसी कमरे में झाड़ू पोंछा रह गया था, तो इसमें भी अच्छे से पोंछा लगा दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इसी कमरे में रहती हैं। और क्योंकि इसी कमरे में टीवी लगी है, तो बच्चे उसी कमरे में ज़्यादा रहते हैं। यहाँ रुद्राक्ष भी उठ गया था, तो उसी में कुछ केला वगैरह खिला देती हूँ। और टूटू को स्कूल जाना पड़ रहा है, अभी 8 ही बजे हैं, तो नहा कर वो है ना स्कूल जा रही है कुछ काम से। और टूटू आ चुकी है, और टूटू के आने के बाद मैंने नहा लिया था, और नहाकर मैं पूजा करने के लिए फूल तोड़ने आ गई हूँ। बगीचा या जो हमारे आगे बरामदा दिया है ना, उसमें बहुत सारे क्यारी में ना पौधे लगा रखे हैं हमने, तो उसी में ये पेड़ है गुड़ैल का, तो उसी में सबसे ज़्यादा फूल लगते हैं, तो मैं तोड़ लाई फूल। और ये देखिए, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। और यहाँ पर मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, पूजा अभी रुद्राक्ष सो रहा है, तो उससे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अलमारी को साफ़ कर दूँगी पहले, और तिलक वगैरह लगा के भगवान जी को पूजा कर दूँगी। भगवान जी को नहला भी दिया था मैंने, और फिर तिलक लगा के पूजा कर दूँगी। तो यहाँ पर भगवान जी की पूजा हो चुकी है, और उसके बाद है ना मैंने खाना वाना बनाया, तो वीडियो शूट नहीं कर पाई, और रुद्राक्ष भी बहुत परेशान कर रहा था उस टाइम। तो अभी हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं कुछ, तो यहाँ पर मैं दूध गर्म कर रही हूँ और कुछ स्वीट वगैरह बना दूँगी, क्योंकि आज गुड न्यूज़ भी सुनाना है आपको, और वो क्या गुड न्यूज़ है तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर के करीब दूध लिया है, 1 लीटर से थोड़ा कम था, क्योंकि उस थोड़ी सी मैंने चाय भी बना ली थी उसी दूध में से, और 1 कप के करीब चाय बनाई थी। तो यहाँ पर दूध अच्छे से उबल जाए, उसके बाद इसमें ना थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का घोल भी डाल देंगे। तो ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था जो छोटी सी चम्मच रहती है ना उससे, और उसमें है ना थोड़ा सा दूध डाल देंगे और अच्छा सा घोल बना कर तैयार कर लेंगे। और इसमें है ना फूड कलर भी डालूंगी मैं, और ये देखिए थोड़ा सा पतला सा घोल बना कर रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फूड कलर भी लिया है, तो उसको भी मिक्स कर देंगे, और दूध में अच्छे से उबाल आना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए। और दूध में जब तक उबाल आ रहा है, तब तक घोल भी रेस्ट पर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और ये स्वीट की रेसिपी मैं पहली बार बना रही हूँ, ये देखिए, ये घोल बना कर रख लिया था, तो वो भी मिक्स कर देंगे। दूध में अच्छा सा उबाल आ गया है उसके बाद, और थोड़ा गाढ़ा होने तक इसको पका लेंगे। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। ब्लॉग पसंद आते हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और यहाँ पर मैंने नारियल ले लिया है सूखा वाला, तो बुरादा तो मेरे पास अभी है नहीं है, तो नारियल को ही क्रश कर लेंगे और नारियल का बुरादा बना लेंगे। तो ये सूखा वाला नारियल है, आप चाहें तो कोई सी भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं इसमें, मैं सिर्फ सिंपल सी रेसिपी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ नारियल ही लिया है, तो ये देखिए गाढ़ा सा घोल बन के तैयार हो गया, ये मैंने पास से भी आपको दिखा दिया है। इस तरीके का गाढ़ा सा घोल बना कर तैयार कर लेंगे दूध का, और इसमें आप चीनी ऐड कर देंगे, तो स्वाद अनुसार आप चीनी मिला सकते हैं। और थोड़ी देर चीनी को मेल्ट होने देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे चीनी मेल्ट हो जाने के बाद, क्योंकि ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है इसको। ये देखिए चीनी भी घुल चुकी है। अब मैंने एक कंटेनर लिया है, ये है ना आइसक्रीम का ही डिब्बा है जिसमें आइसक्रीम आती है मिक्स वाली, तो यहाँ पर मैंने टोस्ट लिए हैं, और आपके पास कोई भी डिब्बा हो उसमें आप ये मिठाई बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने टोस्ट लिए हैं ये वाले, तो टोस्ट से हम इस मिठाई को बनाएंगे। तो सबसे पहले कंटेनर में घोल को डाल देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे,
चारों तरफ गोल को फैला देंगे और फिर इसमें टॉस सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से टॉस को सेट करना है, एक परत बना लेना है और एडजस्ट करके टॉस को रख देना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से टॉस रख दिए थे और ऊपर से घोल डाल दिया है। ये देखिए इस तरीके से घोल डाल देना है। तो टॉस की एक लेयर और बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से टॉस को सेट कर देंगे और कुछ मैंने टुकड़े भी डाले इस तरीके से सेट कर दिए हैं टुकड़े करके। तो यहाँ पर भी घोल डाल देंगे। ये देखिए पूरे घोल को डाल देना है और अच्छे से सेट करने के लिए रख देंगे। कढ़ाई में जितना भी घोल है सारा डाल देंगे। ये देखिए पूरा मैंने कढ़ाई का घोल डाल दिया है और अब इसको सेट करने के लिए छोड़ देंगे। तो पहले मैं इसमें है ना नारियल का बुरादा डाल दूँ ऊपर से, तो नारियल के बुरादे से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकती हैं इसमें, आपके बच्चों को जो भी पसंद हो। तो ये मिठाई बहुत ही अच्छी लगेगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो चलिए इसको है ना थोड़ा ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि अब गर्मी का सीज़न है तो ठंडी चीज़ तो खा सकती है। तो ये फूडिंग बन के तैयार है। तो इसको 2-3 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया है मैंने। और जो भी कुछ मैंने फैला कर लिया है, जो स्वीट वगैरह बनाया था, जैसे कढ़ाई वगैरह हो चुकी है और गैस भी गंदा हो गया है, तो ये सब साफ़ कर लूँगी मैं, क्योंकि बाद के लिए छोड़ो तो चींटी वगैरह हो जाती हैं। तो हाल के हाल जस्ट कर ही लूँ साफ़। तो यहाँ पर मैं ना गीला कपड़ा लेकर एक बार पोंछा मार दूँगी गैस पर, तो गैस भी पहुंच दूंगी और काउंटर टॉप भी पहुंच दूंगी, क्योंकि उस पर भी कुछ ना कुछ फैल गया है अभी जो बनाया है। तो सारा कुछ अभी साफ़ कर दूंगी और साथ में ही मैं बर्तन भी साफ़ कर लूंगी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए भी छोड़ो ना तो वो फिर पड़े ही रहते हैं। जो काम जब करना है तभी करो तो जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बर्तन भी साफ़ कर ले रही हूँ और अभी रुद्राक्ष अपने डैडी के पास है, तो यहाँ पर ये काम निपटा ली थी। तो बर्तन वगैरह साफ करके मैं रुद्राक्ष को कुछ खिला दूंगी, क्योंकि उसको भी बीच बीच में देखना पड़ता है मुझे। और तो अभी बर्तन वगैरह तो साफ़ हो गए हैं और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर उस जो फूडिंग बनाई है उसको चेक कर लेंगे। तो मैंने 1 घंटे रेस्ट किया, उसके बाद फूडिंग चेक करने आ गई थी मैं। तो टूटू को तो सवार ही नहीं हो रहा। तो ये बन गई है फूडिंग और आज टूटू का रिजल्ट निकला है, इसलिए मिठाई बनाई है। चलिए टूटू के लिए। तो यही वाली गुड न्यूज़ थी कि आज टूटू का रिजल्ट निकला था, तो उसी की खुशी में ये फूडिंग बनाई थी। और बच्चों के लिए सब कुछ करना तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने उसके लिए फूडिंग बना दी थी। तो मैं ना उसके लिए कुछ भी बनाती हूँ ना तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं उसके लिए निकाल दूँगी फूडिंग और यहाँ पर रुद्राक्ष भी बैठा है, तो उसको भी ये चीज़ें देखने में बड़ा अच्छा लगता है। आप खिलाओ सबको, गंदा सामने आज मेरा रिजल्ट अच्छा आया है और मैं 2nd क्लास में आ गई हूँ। तो आप सभी के लिए और बहुत ही अच्छी लगी। और आप आगे भी अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है।
तो यहाँ पर पुडिंग का सेलिब्रेशन चल रहा है। ये देखिए वो टूटू को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, और बच्चों को तो ये ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं, कुछ भी बनाओ उनके लिए। और आज भाई दूज भी है, तो भाई दूज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और टूटू रहना अभी अपने भाई को तिलक लगा देगी, भाई दूज के दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाती है। तो ये देखिए तो यहाँ पर रोए जा रहा है रुद्राक्ष, उसको तिलक वगैरह कुछ नहीं लगवाना है। ये देखिए कितना रो रहा है, और अभी चुप हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो वो मुश्किल से ही उसने तिलक लगवाया, और टूटू जिद कर रही कि मुझे तिलक भी लगाना है भैयू के, और चावल भी लगाना है, तो वो कुछ भी नहीं लगवा रहा है। अभी है ना बहुत ही शैतान हो गया है रुद्राक्ष, उसको है ना प्लेट उठा कर दे तो उसमें कुछ भी सामान रखा है ना तो वो फैलाने में लगा रहता है, तो इन्हीं सभी चीज़ों में उसको अच्छा लगता है, नहीं तो रोता ही रहता है। बेटा दीदी को पैसे दे दो, पैसे लो दीदी। अरे इधर पैसे तो दे दो। अरे छोटे बाहर का निकल वाले है ना बेटो, पैसे दे दो। दीदी को फिर बाद में निकलवा लेना। ये भाई तो ऐसा ही है, फोटो निकलवानी है मांगने, फोटो निकलवानी है मांगने। ये देखिए कैसे खुश हो रहा है, वैसे तू सोने में मजा है, वैसे फोटो निकलवा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बेटू देख, तू देख तो चावल है। बाय 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 बाय।